कपास की कीमतें पिछले कुछ दिनों से बढ़ी हैं क्योंकि महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अत्यधिक बारिश से फसल को नुकसान पहुंचा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार अगर अगले कुछ दिनों तक राज्य में बारिश जारी रही तो फसल को नुकसान होने की संभावना है। हालांकि कीमतों में आ रही तेजी सीमित मात्रा में देखने को मिल रही है क्योंकि CAI ने पिछले खरीफ सीजन के 1.2 करोड़ हेक्टेयर की तुलना में कम से कम 10% अधिक बुआई की उम्मीद की थी। मौजूदा रुझान को देखते हुए महाराष्ट्र में कपास की बुआई 42 लाख हेक्टेयर को पार करने की उम्मीद है। गुजरात में ये लगभग 2.7 मिलियन हेक्टेयर होगा। उत्तर में कपास का रकबा लगभग 1.5 मिलियन हेक्टेयर होगा और दक्षिणी राज्यों के लिए लगभग 3.5 से 4.0 मिलियन हेक्टेयर रहने की संभावना है। वहीं पिछले 4 दिनों में गुजरात में भारी बारिश के कारण फसलों को भारी नुकसान की खबरें हैं। अधिकांश बुआई विफल हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में कपास की खेती का रकबा 2010 के बाद से सबसे कम हो गया है। पंजाब में कपास की फसल भी लगातार दूसरे साल रडार पर है और रिपोर्ट के अनुसार रेट में रिकॉर्ड वृद्धि की वजह से इस साल कपास की खेती का रकबा बढ़ने का अनुमान लगाया गया था। वहीं ये बात सच भी साबित हुई है। महाराष्ट्र राज्य में बड़े पैमाने पर किसानों ने कपास की बुआई की है लेकिन बदलते वातावरण और बारिश की वजह से अब फसलों पर गुलाबी सुंडी का अटैक होने लगा है। कपास की फसल के लिए गुलाबी सुंडी दुश्मन है। इससे कपास का उत्पादन में निश्चित तौर पर प्रभावित होगा। कीटों के प्रकोप से कई जिलों से कपास की फसल खराब हो गई है। वहीं गुलाबी सुंडी ने न केवल कपास बल्कि अन्य फसलों को भी खतरे में डाल दिया है। इसे पिंक बॉलवॉर्म भी कहते हैं। इसके कारण ही कपास का रकबा कम हुआ था लेकिन 2 साल से मिल रहे अच्छे दाम ने इसके प्रति किसानों को मोह बढ़ा दिया था। इस साल देश में रिकॉर्ड 126 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती की संभावना है जिसमें से 15 जुलाई तक 102.8 लाख हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है। पिछले साल महाराष्ट्र हरियाणा और राजस्थान जैसे कपास उत्पादक राज्यों में गुलाबी सुंडी का अटैक हुआ था। 2 साल से पिंक बॉलवॉर्म के कारण किसान कपास के अलावा अन्य फसलों की ओर ज्यादा रुख कर रहे हैं। कम बुआई की वजह से ही दाम में रिकॉर्ड तेजी है लेकिन इस रिकॉर्ड भाव ने उन्हें इसकी खेती को समेटने की जगह बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया है। वहीं माना जा रहा है कि चीन ने अपने राज्य के भंडार के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से 3 से 5 लाख टन कपास खरीदने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।